Welcome everyone to Indo European YouTube channel. Today we are having Gurjeet Singh with us. He has got his visa for Latvia. So congratulations, Gurjeet. Thank you, ma'am. So Gurjeet, would you wish to share how was your experience with Indo European? When did you get enrolled? My experience with Indo European was very good. I have enrolled in October, mm-hmm. and then I have got from various process in which I got this visa mm-hmm. from with the help of Indo European team. Okay, so which course and university did you apply for? मेरी यूनिवर्सिटी रीगा टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी जिसमें जो अपनी क्यू एस रैंकिंग में आती है काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है और विद द हेल्प ऑफ द इंडो यूरोपियन टीम आई गॉट दिस यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर गेटिंग द एडमिशन लेटर देन फर्स्ट आई गेट द एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी देन आई हैव द इंटरव्यू विद द हेल्प ऑफ इंडो यूरोपियन टीम आई गॉट दिस वेरियस मॉक इंटरव्यू टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दैट आई क्लियर माई इंटरव्यू Then I got the admission letter. After that, I applied for the visa and I got the visa from the Indo European. Okay, that's great. So, Gurjeet, also we would want to know that, you know, who recommended you with respect to Indo European and how was your overall experience? Like, you know, when a student gets enrolled and comes to know about our services and later on, in some of the agencies, we have seen students complaining that, you know, that the team had not been supportive enough in terms of guidance, in terms of, you know, helping with the documentation and all. So what was your overall experience and initially how did you come to know about us? Just I was searching on internet. After that, I have got the chance to watch the television, and I have seen that Mr. Baba giving the interview about the study in Europe. Then after watching their interview on YouTube, then I apply. Then after research, I have done my research because first you have to do your research. Otherwise, you cannot easily apply for it. आप जब तक अच्छे से research नहीं करोगे, आपको ये चीज़ नहीं पता लगेगी कि आप किस कंट्री में किस जगह पे किस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो तो अच्छे से मैंने रिसर्च की फिर देन मैंने इंडो यूरोपियन को उनके कॉल किया उन्होंने मुझे फिर मैं यहाँ पे आया गाइडेंस ली इंडो यूरोपियन के थ्रू जिससे मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस मिली आपको जैसे अप्लाई करना है तो फर्स्ट आपको इस चीज़ की आपको रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी तब जाके आप किसी चीज़ के लिए एनरोल करो विदाउट फिर आप कहोगे कि आपको ये इशू आया बट आपको फर्स्ट अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए सो गुरजीत जो आपकी रिसर्च थी और जो हमारी टीम ने आपको गाइडेंस दी क्या वो मैच हुआ इन टर्म्स ऑफ जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी हमारी टीम से आपकी रिसर्च के बेसिस पे क्या वो फुलफिल हुई जी मैम मैंने काफ़ी जो चीज़ मैंने रिसर्च की थी वही चीज़ उन्होंने बताई इंडो यूरोपियन के थ्रू अच्छे से मुझे समझाया गया क्योंकि कुछ चीज़ें मैं क्योंकि लैक करता था रिसर्च में भी आपको कुछ चीज़ें लैक हो जाती हैं जैसे आपको काफ़ी चीज़ें नहीं पता लगती आपको वो चीज़ भी गाइड की जाती है यहाँ पे जिससे आपको आगे फायदा हो जिससे आपको वीज़ा मिल सके ओके दैट्स गुड टू नो कि यू नो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो हमारी टीम फुलफिल कर पाई सो आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे हाँ मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप पहले रिसर्च कीजिए अच्छे से रिसर्च करिए देन आप आइए इंडो यूरोपियन में फिर उस चीज़ के ऊपर प्रॉपर गाइडेंस लीजिए और अप्लाई कीजिए और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर वीज़ा के लिए आ जाए आपका वीज़ा ओके थैंक यू सो मच गुरजीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू मैम थैंक यू